So friends, welcome to this lesson. So in today's session, we are going to discuss our HRM memory based recall question from December to 2022. So friends, HRM, यदि आपने अपने HRM elective ले रखा है, तो HRM से दोस्तों किस प्रकार के question पूछे गए थे December 2022 में, आइए हम लोग recall करते हैं. आप देख पाएंगे कि कौन कौन से topic ज़्यादा important है. तो basically इस video का purpose यही है कि आप उसी के according prepare कर पाए importance को देखते हुए. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस video lesson को पहले question के साथ. पहला क्वेश्चन है कि क्वालिटी सर्कल क्या है, व्हाट इज क्वालिटी सर्कल. पहला ऑप्शन है अ टीम ऑफ एम्प्लॉय हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस एंड सॉल्व क्वालिटी रिलेटेड इशूज इन द वर्क प्लेस. दूसरा है अ सर्कल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी. तीसरा है दोस्तों मैनेजरियल अप्रोच फोकस्ड ऑन अचीविंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट थ्रू स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड. और डी नंबर ऑप्शन है सर्कल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट कंप्लायंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए. तो क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक टीम ऑफ एम्प्लॉय होते हैं जो कि रेगुलरली मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वालिटी रिलेटेड इशू इन द वर्क प्लेस. एक्सप्लेनेशन देखिए आप देख सकते हैं. तो मेरे जितने भी लेक्चर हैं दोस्तों सभी में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ताकि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक्सप्लेनेशन ही पढ़ ले तो मोर देन सफिशियंट है. क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होते हैं सेम वर्क एरिया से सेम डिपार्टमेंट से जो कि एक साथ आते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें, सॉल्व कर सकें वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को या इम्प्रूव कर सकें दोस्तों प्रोसेसेस को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. प्राइमरी फोकस होता है क्वालिटी सर्कल का कि हम इन्हांस करें प्रोडक्ट को या सर्विस क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करें, टीम वर्क को प्रमोट करें. दोस्तों एक केस स्टडी पूछा गया था. सारा इज हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल हु हैज रिसेंटली ज्वाइन अ कंपनी एज जूनियर एग्जीक्यूटिव सी इज एम्बिशियस एंड ड्रिवन टू सक्सेस इन हर कैरियर. तो एचआरएम से दोस्तों केस स्टडीज भी आते हैं, तो हमारे पास केस स्टडीज का कलेक्शन है. वी आर प्रोवाइडिंग एवरी टाइप ऑफ केस स्टडी विच इज आस्क्ड इन एचआरएम एग्जामिनेशन. तो सारा एम्बिशियस है और वो ड्रिवन है सक्सेस इन हर कैरियर. सी कंसिस्टेंटली स्ट्राइव टू एक्सेल इन हर वर्क, फ्रीक्वेंटली सेटिंग हाई गोल फॉर हरसेल्फ and going above and beyond to achieve them. She actively seeks opportunity for personal and professional growth, attending seminars and workshops to enhance her skill. Sarah also enjoys mentoring her colleagues and is known for her positive attitude and willingness to help others. तो ये डाटा आपको दिया हुआ है. अब इस बेसिस पे दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का लेवल है सारा प्राइमरीली फोकस्ड है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. इस प्रकार से देखिए मास्लो हायरार्की से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक केस स्टडी दे दी आपको और आप कितना समझे हैं मास्लो हायरार्की को वो देखा जा रहा है. तो बताइए किस लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की का नीड सारा प्राइमरीली फोकस्ड है. फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. दोस्तों सही आंसर है इसका स्टीम नीड. तो बेसिकली मास्लो हायरार्की ऑफ नीड एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है. बेसिकली जो कि कैटेगराइज करता है ह्यूमन नीड को 5 लेवल में पिरामिड स्ट्रक्चर में अरेंज होता है. जो टॉप लेवल होता है उसे फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम और सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड कहते हैं. तो इस केस में दोस्तों सारा का जो बिहेवियर है कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट करता है तो उसने कि उसने अपना फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड को ऑलरेडी मीट कर लिया क्योंकि उसको जॉब मिल गया और एक हाई एस्पिरेशन से ड्राइव हो रही है. सी सिक्स पर्सनल ग्रोथ, सेट हाई गोल्स, स्ट्राइव्स टू एक्सेल विच अलाइन विद स्टीम नीड. स्टीम नीड का मतलब क्या होता है कि आपके पास डिजायर है रिकॉग्निशन का, रेस्पेक्ट का, सेल्फ वर्थ का. तो सारा का फोकस है कि सक्सेस पे, सक्सेस को अचीव करना, दूसरे को मेंटर करना और पर्सनल ग्रोथ को सीख करना. तो ये इसके स्टीम नीड को इंडिकेट करता है. समझ में आया दोस्तों क्या सही आंसर है इसका. दोस्तों यदि आप CIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की और यदि आपको किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ MCQs, हमारे पास 150 से 150 से 200 MCQs पर एक यूनिट के अवेलेबल हैं. यानी कुल मिलाकर 2000 से 3000 MCQs अवेलेबल है पर चैप्टर का. तो दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स का हेल्प ले सकते हैं. हमारे पास सभी चैप्टर का वीडियो लेसन है. आप कम समय में वीडियो लेसन से चीज़ों को समझ सकते हैं और दोस्तों मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं MCQ को सॉल्व करने में. सो इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल वी हैव मॉक टेस्ट ऑल्सो. हमारे मॉक टेस्ट का आप हेल्प ले सकते हैं. यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट लिखा हुआ है. पहला है क्लियर एंड कंसाइज मैसेज. दूसरा है एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तीसरा है दोस्तों यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नॉलेज और लैंग्वेज. और चौथा है दोस्तों फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन. तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नॉलेज ये करेक्टरिस्टिक नहीं है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैरेक्टराइज किया जाता है कुछ की आस्पेक्ट से, जैसे क्लियर एंड कंसाइज मैसेज. ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया गया स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंडरस्टेबल मैनर में. ऑप्शन बी कर रहा है एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ये भी दोस्तों इसका मतलब कि आप अटेंटिवली रिसीव कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं मैसेज को. ऑप्शन डी कर रहा है फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन. ये एक टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, इनपुट को लेकर, क्वेश्चन को एड्रेस करके, अंडरस्टैंडिंग को कन्फर्म करके. लेकिन जो ऑप्शन सी कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल नॉलेज का यूज, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है. चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेनरिक कॉम्पिटेंसी का डेफिनेशन क्या है.
तो देखिए मेरे पास दोस्तों ये तो एक सेट है हमारे पास 50 क्वेश्चन का। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास बहुत सारे सेट हैं 2021 के, जो साल में दो बार एग्जाम होता है सभी के सेट हमने बना के रखे हैं एचआरएम के। तो इफ़ यू नीड एनी ऑफ दिस दैट इज़ कवर्ड इन द पेड प्लान, यू नीड टू व्हाट्सएप मी योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज की, तो जनरल कॉम्पिटेंसी का डेफिनेशन क्या है? कॉम्पिटेंसीज दैट आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंसीज दैट आर ट्रांसफरेबल एंड अवेलेबल अक्रॉस डिफरेंट रोल एंड इंडस्ट्रीज, कॉम्पिटेंसी दैट आर ओनली रिलेवेंट फॉर एंट्री लेवल पोजिशन, कॉम्पिटेंसीज दैट आर सोलली फोकस ऑन टेक्निकल स्किल। बताइए जनरल कॉम्पिटेंसी का डेफिनेशन क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी कि बेसिकली जनरल कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जनरल कॉम्पिटेंसी ट्रांसफरेबल होता है और एप्लीकेबल होता है डिफरेंट रोल इंडस्ट्री में। जनरल कॉम्पिटेंसी का मतलब सेट ऑफ स्किल, नॉलेज, एबिलिटी जो कि स्पेसिफिक नहीं है एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में। ये कॉम्पिटेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे रोल एंड इंडस्ट्री में, जिसके कारण ये ट्रांसफरेबल होता है, अवेलेबल होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जनरल कॉम्पिटेंसीज के अंदर स्किल्स आते हैं जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर मोटिवेटर इन वर्कप्लेस। बताइए हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार कौन कौन से फैक्टर्स को मोटिवेटिंग माना जाता है वर्कप्लेस में? सेफ सैलरी एंड बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क कंडीशन, रिकॉग्निशन एंड कैरियर ग्रोथ, सुपरविजन एंड कंपनी पॉलिसी। बताइए क्या सही जवाब है? ऑप्शन सी सही है कि रिकॉग्निशन और कैरियर ग्रोथ को मोटिवेटिंग फैक्टर माना जाता है। देखिए हर्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज करता है कि दो सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉय की मोटिवेशन को और सेटिस्फैक्शन को वर्कप्लेस में। पहला सेट को हाइजीन फैक्टर कहा जाता है, इसके अंदर सैलरी, बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, वर्क कंडीशन, सुपरविजन और कंपनी पॉलिसी आती है। तो ये फैक्टर यदि इनएडिक्वेट होगी तो डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉय में, तो लेकिन इनका जो प्रेजेंस है इसके कारण कोई मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन या सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। दूसरा सेट को हम लोग मोटिवेटर्स कहते हैं, इसमें रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और नेचर ऑफ द वर्क इटसेल्फ आता है। ये फैक्टर रिलेटेड होता है इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का। अब ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि सैलरी बेनिफिट जो है हाइजीन फैक्टर में आता है। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं हाइजीन फैक्टर के। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि सुपरविजन और कंपनी पॉलिसी हाइजीन फैक्टर का पार्ट है। तो आपको क्लियर रखना है कि हाइजीन फैक्टर में क्या पार्ट है और मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या पार्ट है। मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ पर्टिकुलर थिंग। आपको एक क्वेश्चन देखें, उसके कंसेप्ट को समझे, फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करना है कंसेप्ट समझने के लिए, दिस इज हाउ वी प्रोसीड। हमारी टेक्निक, हमारा जो लर्निंग होता है दोस्तों, हमारे स्टडी मटेरियल का लर्निंग जिस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है आपको इसी मेथड से प्रोवाइड किया जाता है। पहले हम क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझते हैं और फिर कंसेप्ट से फिर और भी चीज़ समझ लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइजीन फैक्टर, तो आपको हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर में क्लियरली डिफरेंस याद रखना है। चलिए ये बहुत, ये सवाल पिछले साल पूछा गया है तो हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा है इस सवाल के रिपीट होने के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, इनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज, इंप्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, प्रमोटिंग कैरियर डेवलपमेंट। बताइए जनरल पर्पज ट्रेनिंग नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर नॉट जनरल। देखिए ए में क्या कह रहा है कि इनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज, तो ट्रेनिंग से क्या होता है एम्प्लॉय नए स्किल को समझते हैं, नॉलेज को समझते हैं ताकि अपनी जॉब टास्क को इफेक्टिवली कर सकें। बी में कह रहा है कि ट्रेनिंग का एम ही है कि जॉब परफॉर्मेंस को एनहांस करना, एम्प्लॉय को नेसेसरी टूल्स और टेक्निक प्रोवाइड करना ताकि वह एक्सेल कर सके अपने रोल में। सी में कह रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं एम्प्लॉय को कि अपने कैरियर को डेवलप कर सके नए कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर करके। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, ये जनरल पर्पज नहीं है ट्रेनिंग का। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब किस रेट से एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, और ट्रेनिंग का टिपिकली एम होता है कि हम रिटेन करें एम्प्लॉय को, उनको नेसेसरी स्किल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। अब देखिए केस स्टडी है, केस स्टडी क्या है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे देखिए समानता इज एन एम्प्लॉय हु हैज इन वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एट एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन फॉर द पास्ट 3 ईयर, सी हैज कंसिस्टेंटली अचीव हर सेल्स टारगेट एंड हैज रिसीव पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स। हाउएवर इन द पास्ट 6 मंथ समानता हैज बीन फेसिंग पर्सनल चैलेंजेस ड्यू टू फैमिली इलनेस विच हैज अफेक्टेड हर ओवरऑल परफॉर्मेंस। डिस्पाइट हर पर्सनल डिफिकल्टी समानता हैज बीन मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड मीट हर टारगेट टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। एमसी क्वेश्चन है दोस्तों, विच बेस्ड ऑन द गिवन केस स्टडी विच परफॉर्मेंस अप्रेजल अप्रोच वुड बी द बेस्ट सुटेबल फॉर इवैल्यूएटिंग समानता परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल पे केस स्टडी पूछा गया था, तो आपको केस दे दिया, आपको पूछा गया कि बताइए कि कौन सा जो अप्रेजल मेथड, हमारे पास अप्रेजल मेथड बहुत सारा आपको मैंने बताया है दोस्तों, तो कौन सा अप्रेजल मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है जिससे समानता की परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर सकें? ट्रेड बेस्ड, बिहेवियरल बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, पीयर बेस्ड। दोस्तों सही आंसर है इसका बिहेवियरल बेस्ड। देखिए बिहेवियरल बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि आप एसेस करते हैं एम्प्लॉय के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को और एक्शन को वर्कप्लेस में। याद रखिएगा कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख के जाइए अच्छे से, इस पर केस स्टडी पूछा जाता है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड केस स्टडी पूछा जाता है। प्लीज़ गो थ्रू दिस टू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिहेवियरल बेस्ड अप्रेजल अप्रोच फोकस होता है कि हम एम्प्लॉय के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एसेस करें और एक्शन को एसेस करें वर्कप्लेस में। तो समानता के केस में दोस्तों फोकस है कि उसके एफर्ट को इवैल्यूएट करना,
एप्लीकेशन को इवेल्युएट करना, रेजिलियंस को इवेल्युएट करना डिस्पाइट पर्सनल चैलेंजेस। ये अप्रोच अलाउ करता है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ समंथा परफॉर्मेंस बाय कंसीडरिंग हर बिहेवियर एंड एक्शन रदर देन सोलली ड्राइंग आउट सेल्स रिजल्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचआरएम और एचआरडी में की डिफरेंस क्या है। एचआरएम फोकस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कॉम्पेंसेशन वाले एचआरडी फोकस ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआरएम फोकस ऑन स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। एचआरडी फोकस ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। एचआरएम फोकस ऑन कंप्लायंस विद लेबर लॉ एंड रेगुलेशन। एचआरडी फोकस ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट रिटेंशन। एचआरएम फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड पेरोल प्रोसेसिंग। एचआरडी फोकस ऑन वर्कफोर्स प्लानिंग एंड सक्सेशन मैनेजमेंट। बताइए दोस्तों क्या बेसिक डिफरेंस है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कि एचआरएम फोकस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कॉम्पेंसेशन, एचआरडी फोकस ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा एचआरएम एचआरडी में क्या डिफरेंस है। एक्स वाई जेड कंपनी एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इसको ऑफिसेज मल्टीपल कंट्रीज में है, उसके पास दोस्तों एक डेडिकेटेड एचआर डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग फंक्शन के लिए जो कि कंपनीज के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के रिलेटेड है। अब देखिए एक सिनेरियो है, एचआर डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड कंपनी का एक चैलेंज फेस कर रहा है कि वह अट्रैक्ट करे और रिटेन करे टॉप टैलेंट को। तो कंपनी जो है हाईली स्किल एम्प्लॉय को लूज कर रही है कॉम्पिटिटर को, और एक जरूरी है कि हम ओवरऑल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। तो देखिए एडिशनली एचआर टीम जो है इनहांस करना चाह रही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ताकि इंडिविजुअल गोल को अलाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का। अब देखिए एमसीक्यू का है कि कौन सा एचआर फंक्शन एक्स वाई जेड कंपनी प्रायोरिटाइज करेगी ताकि जो चैलेंज है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द टॉप टैलेंट इसको दोस्तों एड्रेस कर सके। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। सही आंसर है दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इस सिनेरियो में दोस्तों परफॉर्मेंस एंड मोस्ट रिलेवेंट एचआर फंक्शन जो एक्सपाइज कंपनी प्रायोरिटाइज करेगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्लियर गोल सेट करना, एक्सपेक्टेशन सेट करना एम्प्लॉय के लिए, रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, आइडेंटिफाई करना एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। एक प्रोजेक्ट है जिसमें मान लीजिए कि $10,000 लगता है इंप्लीमेंट करने में, टोटल बेनिफिट प्रोजेक्ट से है मान लीजिए $15,000, तो आरओआई के फॉर्मूले का यूज करके आप बताइए कि कितना आरओआई परसेंटेज है इस प्रोजेक्ट का, 150%, 50%, 100%, 200%। तो इंप्लीमेंट करने में $10,000 लगता है और टोटल बेनिफिट प्रोजेक्ट से आता है $15,000। तो दोस्तों आरओआई निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। टोटल बेनिफिट कितना है $15,000 और टोटल कॉस्ट कितना है $10,000, यानी 5,000 अपॉन 10,000 इनटू 100 यानी कि 50%। ओके सो यू जो आरओआई कितना है दोस्तों 50%। जेनेटिक कॉम्पिटेंसी मैंने आपको बताया था, बेसिकली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से रिलेटेड है ठीक है इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाफ को देखा गया कि वो फ्रॉड कर रहा है 10,000 का और उसे डिसमिस कर दिया गया, तो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है। हार्श पनिशमेंट फॉर द अमाउंट एज इंटीग्रिटी डॉटफुल पनिशमेंट इज वैलिड, सी ओनली वार्निंग विद रिकवरी। तो दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट है, चूंकि इंटीग्रिटी डॉटफुल है तो पनिशमेंट वैलिड है, तो ऑप्शन भी ज़्यादा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। आप इसका रीजन सब यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक केस स्टडी है, मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि अपने वर्कफोर्स को एक्सपेंड करना चाह रही है ताकि अपने इंक्रीजिंग बिजनेस डिमांड को सपोर्ट करे। चलिए ठीक है, तो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया जॉब ओपनिंग फॉर वेरियस पोजीशन एंड रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। एचआर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए ताकि आइडेंटिफाई कर सके मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। इनमें से कौन सा पहला स्टेप होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन? कंडक्टिंग इंटरव्यू विद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, रिव्यूइंग रिज्यूम्स एंड एप्लीकेशन, पोस्टिंग जॉब ओपनिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक ऑन सिलेक्टेड कैंडिडेट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, पोस्टिंग जॉब ऑप्शन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पर्पज है आप रिव्यू को रिज्यूम करने का, रिज्यूमे को रिव्यू करने का और दोस्तों एप्लीकेशन का इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस? तो बताइए इनिशियल स्क्रीनिंग कैंडिडेट का, इनिशियल स्क्रीनिंग कंडक्ट करना, दूसरा सैलरी और बेनिफिट को नेगोशिएट करना, रेफरेंस चेक कंडक्ट करना, कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को एसेस करना इंटरव्यू में। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है कि इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट को कंडक्ट करना, ये पर्पज है कि आप रिज्यूम को रिव्यू करें और एप्लीकेशन को रिव्यू करें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में। दोस्तों बात करेंगे इनमें से कौन सा एग्जांपल है सिलेक्शन टूल का जो कि एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन यूज़ करेगी। एप्टीट्यूड टेस्ट, एम्प्लॉय रेफरल ऑफ प्रोग्राम, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय ऑरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों सिलेक्शन टूल की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्शन टूल विच विल यूज बाय एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पर्पज है इंटरव्यू को कंडक्ट करने का रिक्रूटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में? कैंडिडेट के एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को वेरीफाई करना, कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल को इवेल्युएट करना, कैंडिडेट के सैलरी एक्सपेक्टेशन को डिटरमाइन करना, कैंडिडेट के को फिट एसेस करना विद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड जॉब रिक्वायरमेंट। तो बताइए इंटरव्यू कंडक्ट करने का क्या मेन पर्पज है? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैंडिडेट के फिटनेस को एसेस करना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ जॉब रिक्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड है, एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन एक मल्टीनेशनल कंपनीज है और टेक्निकल टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है ताकि वैलिडेट कर सके, परफॉर्मेंस एसेस कर सके अपने एम्प्लॉय का,
HR डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन पर्पज़ क्या है? टू डिटरमाइन प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज, टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, टू एसेस एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, टू इन्फोर्स डिसिप्लिनरी एक्शन। सही जवाब है दोस्तों कि टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, ये मेन पर्पज है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का? इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल, इन्हांस एम्प्लॉय मोटिवेशन, लिमिटेड एम्प्लॉय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का बेस्ट मोस्ट बेनिफिट है एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि क्या टिपिकली इन्वॉल्व होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में? एचआर डिपार्टमेंट इमीडिएट सुपरवाइजर ओनली, एम्प्लॉयर पीड ओनली, एचआर डिपार्टमेंट इमीडिएट सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। क्या रोल है फीडबैक का परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में? टू डिटरमाइन एम्प्लॉय प्रमोशन, टू इन्फोर्स डिसिप्लिनरी एक्शन, टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इंप्रूवमेंट, टू सेट एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। तो दोस्तों फीडबैक से क्या होता है कि आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का? एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, 360 डिग्री फीडबैक, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो बताइए दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है 360 डिग्री फीडबैक। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार कौन सा फैक्टर हाइजीन फैक्टर में आता है? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया था कि जॉब सिक्योरिटी हमारा हाइजीन फैक्टर के अंदर आता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ABC कंपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को वैल्यू करती है वर्क प्लेस में। तो इमली एक न्यू हायर फीमेल एम्प्लॉय है, वो कॉन्स्टेंटली डेमोंस्ट्रेट करती है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हर टीम सक्सेस। शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टीम मीटिंग, शेयर इनोवेटिव आइडियाज एंड कोलेबोरेट्स एंड इफेक्टिवली विद हर कलीग। तो इमली का जो वर्क एथिक्स है और डेडिकेशन है इसको रिकॉग्नाइज किया गया इसके सुपीरियर के द्वारा, पीयर्स के द्वारा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इमली प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस? बताइए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन क्या रिफ्लेक्ट करता है इमली प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस? इंक्रीज टीम मोरल एंड मोटिवेशन, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। बताइए तो दोस्तों सही आंसर है इसका इंक्रीज टीम मोरल एंड मोटिवेशन, ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इमली प्रेजेंस एट द वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव लीडरशिप? इंट्रोवर्सन एंड साइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनडिसिजनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, माइक्रो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो दोस्तों इफेक्टिव लीडरशिप के साथ क्या एसोसिएटेड है? इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेशन प्लानिंग का क्या मेन रोल है? टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय फॉर टर्मिनेशन, टू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चेंज, टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉय, टू डिस्करेज कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सक्सेशन प्लानिंग का दोस्तों मेन एम है कि टू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस होता है आप आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं पोटेंशियल सक्सेसर फॉर की पोजिशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पज़ ये है इसका कि इंश्योर करें कि दोस्तों आपके पास एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल की पूल होना चाहिए जो कि लीडरशिप के स्टेप में स्टेप करें, क्रिटिकल रोल में स्टेप करें यदि अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेज आ जाए। क्या पर्पज़ है एचआर प्लानिंग का? टू डिटरमाइन द सैलरी स्ट्रक्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बी कराएगी टू फॉरकास्ट एंड अलाइन ह्यूमन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, टू एसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक, टू एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कॉम्पेंसेशन। दोस्तों एचआर प्लानिंग का मेन फंक्शन है कि टू फॉरकास्ट एंड अलाइन ह्यूमन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एचआर प्लानिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप फॉरकास्ट करें, अलाइन करें ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेटजिक गोल के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के करंट वर्कफोर्स को एनालाइज करना, फ्यूचर ह्यूमन नीड्स को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेटजी डेवलप करना ताकि उन सभी नीड को मीट कर सकें। एचआर प्लानिंग इंश्योर करता है कि राइट पीपल विद द राइट स्किल आर अवेलेबल एट द राइट टाइम टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन का सेट, होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा इस क्वेश्चन का सेट को। यदि आपको दूसरा सेट चाहिए तो हमारे पेड प्लान में इनरोल हो जाइए, आपको सारा डिटेल मैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको HRM से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।